वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज से हम लघु उत्तरीय प्रश्न का सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें सबसे पहले हर एक चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होगा उसको डिस्कस करेंगे, वो कंप्लीट करने के बाद फिर तब दीर्घ उत्तरीय पर डिस्कस करेंगे। लघु उत्तरीय 5 से 6 हर एक चैप्टर में लेंगे, जिससे दोनों शिफ्ट में आप किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो आपको क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लघु दीर्घ उत्तरीय अगर स्टार्ट करेंगे तो उसमें 1 से 2 हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, उसको याद करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए, अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं की तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए। आज का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये अगर आप हमसे पूछेगा इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है लघु उत्तरीय में, तो यही क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। और इसके प्रकार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूंजीवादी हो गया, मिश्रित हो गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये भी पूछ देता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, समाजवादी किसको कहते हैं और पूंजीवादी किसको कहते हैं। ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती, जैसे में हो गया कृषि, हो गया उद्योग, हो गया व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार। ये सब किसके अंतर्गत आ गया, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको यही लैंग्वेज लिखना है, आप जिस लैंग्वेज में याद किए हैं वही लैंग्वेज याद रखना है, ठीक है। इसको याद करने के चक्कर में नहीं पढ़ना, जो याद है वही। बस ये देख लीजिएगा कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो आपके नोट्स में लिखा है, जो आपके टीचर जहां पढ़े हैं वो लिखा है, वही भाषा लिखिएगा। ऐसा नहीं उसके चक्कर याद करने के चक्कर में ये भी याद ना हो वो भी याद ना हो, जिसका याद किए हैं उसी का आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में क्या लिखना है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती, जैसे क्या हो गया कृषि, उद्योग, व्यापार, बीमा, ये सब एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है जैसे, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार को देख लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा गया कि कौन सा, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। या तो आपको पूंजीवादी पूछेगा या समाजवादी पूछेगा या मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछेगा। अगर ये 5 नंबर वाले में पूछा तब क्या पूछेगा कि अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, इसके प्रकार का वर्णन करें, तब तीनों वर्णन करना। लेकिन अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग ही इसका एक्सप्लेन कर देना है। चलिए देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। यहां क्या होता है, उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है, मालिक होता है, वो क्या होता है, निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है। जैसे अमेरिका का अर्थव्यवस्था हो गया पूंजीवादी, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि, ये सब अर्थव्यवस्था क्या है इसमें, यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा हो जाएगा आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता था। इससे पहले क्या था, निजी व्यक्तियों के पास था, समाजवादी में क्या हो जाएगा, देश के सरकार के पास हो जाएगा इसका यानी स्वामित्व, यानी मालिक होगा देश का सरकार, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे चीन, क्यूबा आदि देशों की अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका में क्या था, पूंजीवादी, चीन में क्या हो गया, समाजवादी। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि चीन में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में, क्यूबा में कौन सी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी, अमेरिका में कौन है, तो पूंजीवादी। नेक्स्ट पे चलते हैं, तीसरा इम्पोर्टेंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो हमारे देश में अभी भारत में कौन सा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया ये कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, यानी दोनों मिक्स है इसमें, पूंजीवादी भी और समाजवादी भी, दोनों का ये मिश्रित है, तो इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये लिख देना है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी की बीच का रास्ता है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएगा यहां। चलिए, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते दूसरा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखिएगा, आधारित संरचना का अर्थ है
अर्थ उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक है। क्या है? देश के विकास में जो मदद करता है उसको हम क्या कहेंगे? आधारभूत संरचना कहेंगे। इसके अंतर्गत बिजली हो गया, परिवहन हो गया, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि आते हैं। ठीक है, इतना लिख देना, कंप्लीट हो गया। तीन नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो उत्तर में है कि आधारभूत संरचना पर ही अर्थव्यवस्था की अधिरचना खड़ी है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या गया? आधारभूत संरचना, यह अर्थव्यवस्था की नींव है। ठीक है, इसके निम्नलिखित महत्व है, क्योंकि आधारभूत संरचना जो है यही अर्थव्यवस्था का क्या है? मेन जड़ है, इसीलिए इसको कहा गया अर्थव्यवस्था का नींव कहा गया है। तो इसके महत्व लिखना है, निम्नलिखित महत्व है, महत्व देख लीजिए क्या सब है। आर्थिक आधारभूत संरचना से कृषि के विकास को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है, यह जीवन स्तर को ऊपर उठाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आपको तीन नंबर में कि आर्थिक आधारभूत संरचना की मदद से उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती है। उसके बाद लिखना है, इससे रोजगार भी प्रदान किया जाता है, यह बाजार के आकार को बढ़ाता है। तो पांच पॉइंट लिख दीजिए, बस क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से आपको बता रहे हैं कि जो लैंग्वेज में आपको याद किए हैं उसी में रखना है, इस फिर ने उसको छोड़ के इसको याद करना है, जो आपके टीचर लिखा है वही याद करना है, उस चक्कर में इसमें नहीं पढ़ना है। बस ये क्वेश्चन देख लेना है कि कौन कौन इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, अपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें टिक कर लिए, VVI इस क्वेश्चन को लगा दीजिएगा। चार नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर में है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ है देश के आय को इस प्रकार खर्च करना कि सर्वांगीण तथा सतत विकास होना चाहिए, यानी सबका विकास होना चाहिए। इस तरह उसको खर्च करना चाहिए कि सबका विकास हो। भारत में यह कार्य नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत में यह कार्य कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 याद रखिए। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति आयोग की स्थापना किस आयोग को भंग करके की गई? तो योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर ही नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है नीति आयोग से। नेक्स्ट को चलते हैं, इसके मुख्य उद्देश्य क्या सब है। पहला है कि संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना, आय के स्रोत को बढ़ाना। उसके बाद है, तीसरा है कि सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यों के लिए भी राशि का आवंटन करना। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए योजना का निर्माण करना। इतना लिखिएगा, आपको दो में से दो नंबर मिल जाएगा। पांच नंबर काफी इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है, इसको कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। यह भी पूछा जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यह जारी किया जाता है। तो उत्तर में लिखना है कि यह UNDP या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई वह रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों की शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया गया। तीन आधार पर किया गया, कौन सा? शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। मानव विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार भारत का स्थान कितना था 2004 में? ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2004 में भारत का कितना स्थान था? तो 126वां स्थान था, लेकिन वर्तमान में 2022 के जो आंकड़ा आया उसके हिसाब से भारत का स्थान 132 है। ये हम लिख दिए, अगर पूछेगा तो ये भी ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत का मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? तो 132 है, और 2004 आपके बुक में डिस्कस है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2004 में कितना था? 126, वर्तमान में कितना है? 132 है। क्लियर हो गया पांच का क्वेश्चन। अब छठा और लास्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास या पोषीय विकास की अवधारणा क्या है। सतत विकास पूछे या पोषीय विकास पूछे, दोनों एक ही है। तो उत्तर में है कि ऐसी अवधारणा जिसके अंतर्गत वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करते समय इस बात का ख्याल रखा जाता है कि विकास का क्रम सतत जारी रहे, विकास का क्रम सतत जारी रहे, लेकिन वो क्या हो? टिकाऊ हो, और टिकाऊ हो इसे भविष्य की जरूरतों का खास ख्याल रखा जाता है। इतना लिख दिया। उसके बाद
ब्रूडलैंड के अनुसार भी ये है, लिख देना नीचे में तब अच्छा नंबर आपको मिलेगा, कि ब्रूडलैंड के अनुसार सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसमें सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो वो अर्थव्यवस्था क्या है वो हो गया, उसके बाद पूंजीवादी हो गया, उसके बाद आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गया, उसके बाद आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीन चारों जो है, अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये रामबाण है। ठीक है, इसको तो हर हाल में आप याद कर लीजिएगा, ये VVA है। उसके बाद अगर और याद करना है तो उसके बाद अलावा तो सब इम्पोर्टेंट है, तो सारा देख लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।